Hi everyone. Yes, I am your friend Saita Kumari. Welcome my channel Rajeshwari Food. So दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ. तो दोस्तों आज जो मैं बनाने वाली हूँ आप देख सकते हो डेरी मिल्क का सिल्क बबली कैडबरी का चॉकलेट है मेरे पास. तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ इस डिश का नाम है चॉकलेट ब्रश सैंडविच. और चॉकलेट बस में हम ये इस्तेमाल करेंगे. ये चॉकलेट है और मेरे पास ये डेरी मिल्क भी है. तो चलिए हमने अपना पैन गरम होने के लिए दे दिया है. तो अब हम यहाँ पे गरम हो गया है. तो अब हम इसमें देख सकते हो अब हम इसमें थोड़ा सा इतना करीब बटर डालेंगे और थोड़ा सा ब्रेड को हम बटर के साथ थोड़ा सा सेक लेते हैं. तो हमने बटर में सिर्फ तीन ही ब्रेड का इसमें काम है तो मैंने बटर में इसको सेक लिया है. दोस्तों अब हम ये कैडबरी का डेरी मिल्क सिल्क बबली को ऐसे करके पूरा काट लेंगे. पूरा ऐसे है पूरा निकाल लेंगे इसको फोर्थ पीस में ऐसे करके हम तोड़ेंगे. एक साइड हम पहले बटर पूरा लगा लेते हैं. तो ब्रेड में आप एक साइड ऐसे करके बटर लगा लीजिएगा ऐसे करके पूरा ऐसे. ये देख सकते हो तीनों ब्रेड में तीन पीस ब्रेड में हमने एक साइड पूरा बटर लगा दिया है. अब हम इसको ऐसे करके ये जो चॉकलेट हमने तोड़ा था ऐसे करके चॉकलेट हम रख लेते हैं. तो दोस्तों देख सकते हो इसमें मैंने चॉकलेट को ऐसे कर लिया है और दोनों साइड बटर है. तो अब हमारा पैन पे हम इसको आराम से ऐसे करके सेकेंगे और ऊपर से थ्री लेयर का बना रहे हैं ना हम लोग चॉकलेटी सैंडविच चॉकलेट बस चॉकलेटी सैंडविच. तो हमने इसको ऐसे पूरा और ये बहुत ही टेस्टी है और सबको बहुत ही अच्छा लगेगा खासकर बच्चों को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. तो हम लोग ऐसे करके पूरा चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके सेक लेते हैं. देख सकते हो आपका ये पूरी तरह चॉकलेट मेल्ट हो गया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि चॉकलेट तो अपने आप में ही बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और सबको और चॉकलेट भी अच्छा था. तो दोस्तों इसका कलर देख सकते हो अब कितना अच्छा आ रहा है. तो अब हम इसको एक प्लेट में सॉरी गरम है दोस्तों तो ऐसे करके हम पूरा चारों तरफ से ये सीख गया है तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं. पूरा पूरा बन के रेडी हो गया है. तो अब हम इसको ऐसे करके बीच से वाओ ये बहुत ही यम्मी होगा और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. ये प्यारी प्यारी स्वीट सी सैंडविच देख के ज़रूर कर देंगे. तो अब हम इसको और करेंगे. ये देख के मत सोचिए कि ये पूरा हो गया है इसको हम और अभी सुंदर करने वाले हैं. दोस्तों अभी मेरे पास आइसक्रीम है और हम इस पर पूरी तरह देखिए ये चॉकलेटी आइसक्रीम कितना प्यारा लग रहा है. इस स्माइली के लिए देखिए इस स्माइली के लिए मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हाँ प्यारा प्यारा सा लुक है इस स्माइली पे. इस स्माइली पे तो जरूर होना चाहिए. तो दोस्तों अब मेरे पास कैडबरी है तो अब हम इसको और डिलीशियस बनाने के लिए इसको और थोड़ा गुड लुकिंग देने के लिए आपको जो चॉकलेट अच्छा लगता है अपने हिसाब से आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन मैं स्माइली को नहीं तोड़ूंगी इसीलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ दोस्तों. और आपको जो भी चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हो आप गुड लुकिंग दे सकते हो तो आप दीजिएगा. तो दोस्तों आपका ये चॉकलेट बस स्माइली सैंडविच बनके रेडी हो गया है.